गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। वी हैव सीन इन रेप्लिकेशन दैट रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप। व्हाट इज द मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव टाइप? सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड से, द हाफ ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड इज कंजर्व। इट मीन्स ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इसके अंदर ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, तो इन दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड से जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे उनमें हाफ जो था वो पेरेंटल था और हाफ जो है वो न्यू बना था। हाफ पेरेंटल है और हाफ जो है वो न्यू बना था। तो पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो कंजर्व है, 50% कैरेक्टर जो है वो कंजर्व है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, की जो ओरिजिनल डीएनए था वो कंजर्व रहता है, वो नेक्स्ट जो नया बनता है वो हाफ वो बनता है और हाफ जो है वो पिछले वाला जो पेरेंटल है वो आता है। ठीक है, तो अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि क्या सच में ऐसा होता है कि जो नया डीएनए बनता है उसके अंदर हाफ जो है वो पेरेंटल है और हाफ जो है वो न्यू है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसलसन एंड स्टाल ने इन 1958। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया कि उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और उस ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने एक कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। सपोज ये एक पेट्री डिश ली उन्होंने और इसके अंदर उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। इस पेट्री डिश के अंदर उन्होंने जो मीडियम लिया, कल्चर मीडियम लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, दैट वाज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब जो ये अमोनियम क्लोराइड है उसमें जो ये नाइट्रोजन है ये उन्होंने लिया N15 टाइप का। N15 टाइप मीन्स हैवी नाइट्रोजन, ये आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, हैवी नाइट्रोजन, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसको हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। तो N15 वाला जो मीडियम लिया इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का और इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उसका जो डीएनए था वो अंदर रेप्लिकेट हुआ। तो उन्होंने देखा रेप्लिकेशन आगे जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है। 20 मिनट्स के बाद उन्होंने यहाँ से ये ई कोलाई बैक्टीरिया को रिमूव करके एक नए कल्चर मीडिया के अंदर डाला। इस कल्चर मीडिया के अंदर उन्होंने जो मीडिया लिया इट वाज NH4Cl, लेकिन ये इस बार जो N था इसका वो लाइट टाइप का था, N14 था ये आइसोटोप जो है, इट वाज N14। तो अब इस कल्चर मीडियम के अंदर उन्होंने इसको इंसर्ट किया आफ्टर 20। तो अब क्या देखा उन्होंने कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर ट्रांसफर किया है उसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए जो है उसके अंदर, पहले जो हमने ट्रांसफर किया हैवी आइसोटोप में डालने के बाद, तो क्या देखा कि सारा का सारा जो ई कोलाई थे वो उन सब के अंदर हैवी था, हैवी नाइट्रोजन आया, क्योंकि हमने कौन सा मीडियम लिया था, हैवी नाइट्रोजन वाला NH4Cl लिया था, N15 वाला। तो ये N15 वाले से जब N14 वाले में ट्रांसफर किया इसको 20 मिनट्स के बाद, तो यहाँ पर जो पहुंचे उन सबके डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन होगा, N15 वाला, इसमें भी N15 वाला, जितनी भी जनरेशन आएंगी। फिर उन्होंने क्या किया, इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर इसको रखा, तो नेक्स्ट जनरेशन जब चेक की, अब N14 वाले मीडियम के अंदर रखा इसको, तो जब नेक्स्ट जनरेशन चेक की तो क्या देखा कि हाफ जो बने हैं ई कोलाई नेक्स्ट जनरेशन में, उनमें हाफ के अंदर तो N15 है और हाफ के अंदर N14। ठीक है, कि जो डीएनए ई कोलाई का चेक करके देखा उसके अंदर हाफ के अंदर तो N15 नाइट्रोजन आई है और हाफ के अंदर N14, लेकिन फर्स्ट जो था उसमें दोनों के अंदर क्या था, N15 ही आ रहा था। तो ये किस वजह से चेंज आ गया, कि हमने कल्चर मीडियम चेंज कर दिया, कल्चर मीडियम को चेंज कर दिया, इस बार हमने N14 वाला ले लिया। तो N14 वाले में रखा तो सारे के सारे N14 वाले बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने, क्यों, क्योंकि हाफ जो है
बने हैं, हाफ एन 15 वाले और हाफ एन 14 वाले। अब ये हाफ एन 15 और एन 14 वाले को फर्दर इसी एन 14 वाले मीडियम में ही ग्रो करवाते जाओ, तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, जैसे इसको एन 14 वाले मीडियम में आगे फर्दर ग्रो करवा रहे हैं तो धीरे धीरे उनमें एन 15 का करेक्टर कम होता जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में देखो यहाँ इसका 15 एन 15 का 50% यहाँ पहुंचा, फिर इसका 50% पहुंचेगा, यानी कि सिर्फ 25 अगली जनरेशन में एन 15 जो है वो 25% रह जाएगा और एन 14 जो है वो 75% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम कौन सा ले रहे हैं हम आगे आने वाले सारे एक्सपेरिमेंट में, एन 14 टाइप का। अब एन 15 का करेक्टर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50% रह गया था या एन 15, 50% एन 15 था और 50% एन 14 था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो एन 15 है वो 25 होता जाएगा। तो अभी भी पेरेंटल करेक्टर आ रहा है आगे आने वाले जनरेशन में कितना, 50%, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मेसलसन और स्टाल ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने ये कोई बताया कि एक पेट्री डिश के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और उनको किस में डाला, एन 15 मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर लिया NH4Cl, वो किस टाइप का था, इसके अंदर नाइट्रोजन एन 15 टाइप का। तो फर्स्ट जनरेट जो आए वो सारे के सारे डीएनए कैसे थे, जिनके अंदर एन 15 था, क्योंकि मीडियम में कौन सा लिया था हमने, एन 15 वाला, तो पूरा डीएनए कैसा आएगा, एन 15 टाइप का, ठीक है। हैवी डीएनए, अब ये पता कैसे लगेगा कि सारा का सारा जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए आया है वो एन 15 टाइप का है, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, इस डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज मतलब हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं, तो मक्खन जो है वो हल्का होता है ऊपर आ जाता है, लस्सी हैवी होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसी तरह से यहाँ पर एन 15 जो है वो हैवी होते हैं तो वो नीचे वाली साइड यहाँ पर सेटल हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो एन 15 यहाँ पर नोट किया गया, तो इसका मतलब एन 15 हैवी टाइप का है, सारा का सारा वो नीचे की तरफ सेटल हो गया। अब फिर एन 15 वाले डीएनए को एन 14 वाले मीडियम में ग्रो करवाया, तो क्या देखा नेक्स्ट जनरेशन में, हाफ ऑफ द डीएनए, 50% डीएनए एन 15 टाइप का है और 50% डीएनए एन 14 टाइप का है, क्योंकि इस बार कौन सा मीडियम लिया था हमने, एन 14 वाले मीडियम में ग्रो करवाया है, ठीक है। तो दोनों का करेक्टर 50-50% है, तो हाइब्रिड टाइप, अब इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो हाइब्रिड टाइप का डीएनए मिला, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट है, हाइब्रिड टाइप का मिला यहाँ इस पोजीशन पे, तो ये हाइब्रिड डीएनए बना जिसमें 50-50% है दोनों। फिर फर्दर इस वाले डीएनए को जो ई कोलाई था उसको ग्रो करवाया गया एन 14 वाले मीडियम में ही, बस एन 15 का स्टार्टिंग में यूज किया था, उसके बाद सारे एन 14 मीडियम में ग्रो करवाए। तो क्या देखा कि इस बार हमें दो टाइप के डीएनए मिल रहे हैं जो ई कोलाई के, एक तो लाइट टाइप के और एक हाइब्रिड। लाइट यानी कि एक तो पूरा का पूरा एन 14, ये भी पूरा का पूरा एन 14, और दो जो है वो हाइब्रिड बने हैं जिनके अंदर एन 15 भी है और एन 14 भी है, ठीक है। तो इस तरह फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करवा के देखा गया, जो हैवी वाले थे हाइब्रिड वाले थे वो नीचे सेटल होंगे और जो एन 14 है वो लाइट होता है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में जब इसको हमने 40 मिनट्स के बाद तक आगे फर्दर और टाइम लिमिट बढ़ा बढ़ा के बार बार देखते गए, तो धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि एन 15 करेक्टर जो है वो खत्म होता जा रहा है और एन 14 की परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो पूरा 100% क्या था एन 15, यहाँ पर दोनों 50-50% हो गए एन 14 भी और एन 15 भी, और यहाँ पर आके ये जो एन 14 है ये तो हो गया 75% और एन 15 जो है वो 25% बचा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो पेरेंटल डीएनए था वो हाफ कंजर्व आ रहा है, कि यहाँ पर ये दोनों पेरेंटल जो थे लेकिन इस जनरेशन में हाफ पेरेंटल है और हाफ जो है वो न्यू बना है। फर्दर इसकी की तो हाफ पेरेंटल है और हाफ जो है वो न्यू बना है, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो
एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हैवी नाइट्रोजन की जगह थाइमिडीन को यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव